वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा मबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख्वाब के सिलसिले में चंद एहतियाती तदाबीर, उसके चंद आदाब। देखिए, आदमी जब अच्छा ख्वाब देखे, तो उस पर ख़ुशी का इजहार करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, अपने करीबी दोस्त से, करीबी साथी से जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, वो ख्वाब उस शख्स से बयान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, ख़ुशी के इजहार के साथ साथ रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, उसकी पाकी बयान करें, उसकी तारीफ़, उसकी तहमीद बयान करें। और जब इंसान बुरा ख्वाब देखे, तो बुरा ख्वाब देखने के बाद अल्लाह की पनाह तलब करें, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और जिस करवट लेटा हो वो करवट बदल दे। बुरा ख्वाब जब देखे, अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थुक थुका दे, नींद से बेदार होने के बाद आयतल कुर्सी का एहतमाम करे। बुरा ख्वाब देखने वाला नवाफिल का एहतमाम करे। बुरा ख्वाब देखने वाला सदक़ात व खैरात का अहतमाम करे। चूँकि आदमी अगर कोई परेशान कुल ख्वाब देखा, बुरा ख्वाब देखे, तो उससे उसको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करे, रब्बुल आलमीन की किब्रियाई बयान करे, आयतल कुर्सी का अहतमाम करे, नवाफिल का अहतमाम करे, सदक़ात व खैरात का अहतमाम करे। चूँकि ये ऐसे आमाल हैं जो आने वाली मुसीबतों को टाल देती हैं। रब्बुल आलमीन नवाफिल के बरकत से, सदक़ात व खैरात के बरकत से, इन दुआओं के, ज़िक्र व अज़कार के बरकत से आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। तो अच्छा ख्वाब देखने वाला रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे, अपने करीबी दोस्त और साथी से बयान करे, और अपने ख़ुशी का भी इजहार करे। और बुरा ख्वाब देखने वाला जो है, अपने जो जब भी बुरा ख्वाब देखे तो रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करे, और अपनी करवट बदल दे, जिस करवट सोया था वो पहलू बदल दे, और अपनी बाएं तरफ 3 मरतबा थुक थुका दे, आयतल कुर्सी और नवाफिल का अहतमाम करे, सदक़ात व खैरात का अहतमाम करे। तो ये ख्वाब देखने वाले के लिए चंद एहतियाती बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें और आपको मज़कूरा बातों को, मज़कूरा नुकात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।